मथुरा से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दहेज के लोभ में ससुराली वालों ने बहू को जिंदा जला दिया। मामला जिले के सीजर गांव का है। जानकारी के मुताबिक मृतका के भाई को भी कई बार धमकी दी गई थी। आपको बता दें कि पिंकी शादी 12 साल पहले सीसर गांव के निवासी धर्मजीत सिंह से हुई थी। वहीं उनके पास 8 साल की एक बेटी और 5 साल का एक बेटा भी है। मृतका के भाई ने बताया कि ससुराल से कई बार धमकी भी आ चुकी थी। क्या नाम है आपका? रिजवाना। कहाँ के रहने वाली हैं आप? दरेसी। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके साथ में? मेरे साथ में मारा पीट करी थी जी। 5 साल हुए शादी को, रोज ऐसी वाकया करते हैं मेरे साथ। भैया ने समझा सुन के मुझे सुलह करके पहुंचा दी थी। फिर मैं कल मेरे साथ यही वाकया करा था। उन्होंने मुझसे कह रहे थे कि 5 लाख रुपए लाओ, अगर नहीं लाएंगे तो तुझे जला बना के मार देंगे। मुझे कमरे में बंद कर दिया और तार बिन कर तेल डाल के। किन किन लोगों ने डाला? इरफान, इमरान, फैजान, सोहेल, समा। तो पुलिस को सूचना दे दी? जी, मैं पुलिस द्वारे गई थी वहाँ, गोभी नगर थाने, वहाँ से पुलिस मुझे लेके आई थी। तो ये सब ससुराली जने हैं? जी, ससुराली ये हैं ये सब? जी, मुझे यहाँ पुलिस साथ में आई थी मैं, तो उन्होंने मुझे एडमिट करा था। ठीक।